लोग सोचोगे समझोगे तब तक मैं आपकी जगह में घुसकर आपकी सामाजिक मान मर्यादा को तहस नहस करके धूमधस्त कर दूंगा। आप पूछा आपने मैं कौन हूँ? अरे मैं हूँ ऐसा लोग भयंकर जो कर भी कुछ कर ना पाए। जिसने मुझको गले लगाया वो सीधा मौत ही पाए। कौन रोकेगा मुझे? कैसे रोकेगा मुझे? कैसे फैलता हूँ मैं अभी बताता हूँ मैं आपको। अरे भाई ये जो नेहरू नगर पुलिये के नीचे रेलवे स्टेशन के बाहर ठेलों के ऊपर इस गांधी चौक के अंदर जो छुप छुप के कोने में बैठे रहते हैं वो एक ही सुई को बार बार हर आदमी अपनी नस में लगाता है। हो गया अपना काम। ऐसे ही मैं फैलता हूँ। सुई काम में लोगे ना तो ये भयानक बीमारी आपके शरीर में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अपन क्यों लेंगे? तुम तो पैक सुई काम में लेंगे ना। एक सुई काम में लेंगे तो ये कहाँ से आएगा अपने शरीर में? नहीं आएगा ना। कैसे आओगे आप बोलो कैसे आओगे? अरे डॉक्टर धीरे ये ना समझ लो, तुम्हारी बातों पे ध्यान देंगे सोचेंगे समझेंगे। इतना टाइम नहीं है इनके पास में। क्या आपको आपके शरीर के लिए टाइम नहीं है क्या? है ना। अरे बहुत जल्दबाजी में उतावली दौड़ते हुए आते हैं। डॉक्टर आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शिक्षा, वो तो यहाँ से ले लेते हैं, और उसके बाद में चिकित्सा। अरे भाई ये जो ठेलों की चीजें खाते हैं हर समय खाते हैं, बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, शरीर में कमजोरी तो आएगी ही आएगी, और जब इनको खून चढ़ाने की बेला होती है सीधे दौड़ते हुए आते हैं ना समझी में, बिना ध्यान दिए बिना रजिस्टर्ड बिना जाता परखा हुआ जब ये खून चढ़ाएंगे। हो गया अपना काम। कैसे बताओगे डॉक्टर? है कोई इलाज? अरे बताओ कैसे? ये वाला ब्लड चढ़ाएंगे बिना रजिस्टर्ड बैंक का चढ़ाएंगे तो ये हमारे शरीर में आएगा, लेकिन हम तो पंजीकृत ब्लड बैंक से ही ब्लड चढ़ाएंगे तो कैसे आएगा बता? कैसे आएगा तू? बिल्कुल नहीं आएगा। काम में लोगे ना? पंजीकृत ब्लड बैंक से ही ब्लड काम में लेना है। घर कहीं ऐसे अरे अभी तो मेरा फैलने के और भी बहुत से कारण है। काका हर जगह बचेंगे, बचोगे ना आप? नहीं बचेंगे। बचोगे ना आप? क्या इस राक्षस को आप अपने परिवार में समाज में आने दोगे क्या? नहीं डॉक्टर आओगे तो फैलने नहीं देंगे ना। ये जो नए नवेले लड़के खड़े हैं, अरे इनका शादी होगा, शादी के बाद इनका हनीमून होगा, और ऐसे में अगर कोई एक भी आदमी मेरी बीमारी से ग्रसित है, एचआईवी ग्रसित है, और बिना इसके उपयोग के वो कुछ भी काम करेगा, हो गया अपना काम। कैसे बताओगे डॉक्टर? इसका उपयोग करेंगे तो कहाँ से फैलेगा? ये नहीं उपयोग में लेंगे तो फैलेगा, ऐसे नहीं फैलेगा। ऐसे बचाओगे इनको? बचाएंगे, सब शिक्षित है, समाज में सब जागरूक है। और तो खुद बोल रहा है मैं ऐसे फैलूंगा तो मैं बता रही हूँ ना भाई, अपने को इस चीज की प्रोटेक्शन करना है तो नहीं फैलेगा। जो ज्यादा शिक्षित होता है वो ही लापरवाही ज्यादा करता है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। क्यों भाई साहब है पहचान पहचान मेरी वाली? तो सुनो ये माना कि शहर के लोग हैं, इन्हें आप समझा बुझा के कुछ हद तक मुझे रोक पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो गांवों में दूर दराज ढाणियों में रहते हैं और जो गर्भवती महिला खुद इस बीमारी से पीड़ित हो गई है, अरे उसके होने वाले बच्चे को कैसे बताओगे डॉक्टर? है कोई इलाज?
इसका भी इलाज है। HIV ग्रसित महिला को आप राजकीय चिकित्सालय में लाकर प्रसव करवाए ताकि उसको अपन समय पे दवाई दे सके और डॉक्टर की देखरेख में प्रसव करवा के उसको बचा सके। हर जगह तोड़े हर बीमारी का तोड़े। सड़क के किनारे किनारे जो नजदीक में ढाणियां है वहाँ तक आपकी बात पहुँच जाएगी, दूर दूर उन धोरों के पीछे सब जगह पहुँचेगी। ये देखो सब मोबाइल लेके खड़े हैं, यहाँ पे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अखबार है, तो क्यों नहीं पहुँचेगी। और ये लोग जो इतने खड़े हैं ना, ये जिनके भी साथ में बैठेंगे उनको समझाएंगे, क्यों नहीं पहुँचेगी। मैं तो डर गया, डॉक्टर डर के भगाएंगे, भगाओगे ना इस महामारी को, समाज को ऐसा बनाओगे क्या। कोई एक तो ऐसा हो जो हमारी इस सेना का सेनापति बन सके। कोई नहीं बनेगा, कोई सेनापति समझदार है। हम भी तो कहीं के राजा हो, हमारे भी तो कोई लंका हो। अरे आप इसकी लंका बनने दोगे क्या। पूरी बाबरी आप आओ भाई साहब, ये तो आ ही जाएंगे आप, प्रमुख सेनापति तुम्हें बनाऊंगा। लंका सेनापति बनाओगे फिर भी नहीं आएंगे, इतने समझदार है। खुश हुआ। अब रुको डॉक्टर, वो लोग जो घरों से दूर दूर रहते हैं, 5-6 महीने बाद होली दीपावली काम धंधे में इतने मस्त रहते हैं, और वो वहाँ पर अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से अंधेरी गलियों में जाते हैं। वहाँ पे भी हमारी संस्थाएं काम कर रही है, हर जगह हमारी संस्था के लोग हैं, वहाँ हमको समझाते हैं, और हम यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, सब जगह ये चीजें जा रही है। तो कैसे फैलोगे बताओ, कैसे फैलोगे, क्या आप इसको फैलने दोगे क्या। मतलब तुम्हारे जासूस इस हर के कोने कोने में छुपे हैं। हमारे जासूस हमारे सहपाठी सारे कोने में थे, और तुझे ऐसा भगाएंगे कि दोबारा नाम नहीं लेगा। न गाड़ी में जाने देंगे, न शहर में जाने देंगे, न गांव में जाने देंगे, कहीं भी नहीं जाने देंगे तेरे को। तुम्हारा मतलब ये है कि यहाँ से हमें भगा के समुद्र में फेंकोगी। फेंकेंगे, उठा के जब हम सबने मिलकर कोरोना को भगा दिया तो तू है क्या ये बता। कोरोना ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, नहीं बोला ना, फिर भी उससे फाइट की ना मैंने, तो ये तो बोल रहा है मैं ऐसे फैलूंगा ऐसे फैलूंगा, और आपके पास जानकारी है उससे बचने की, तो क्या फैलने दोगे कि इसको। तो कैसे रोकोगे, मैं अभी देखता हूँ। रोक दिया ना, कोई नहीं है तेरे साथ, मिलके रोक लेंगे ना। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ऐसी तो कही है हमारे पास। अरे रुको तो सही, लेके जाओ इसको यहाँ से। ये क्या कर रहे हो, अरे सुनो चलो। अरे मुझे अभी मच्छर बन के काटना है। अरे मच्छर से नहीं फैलता है एड्स। अरे मुझे इनसे हाथ मिला के ऐसे फैल जाऊंगा। हाथ मिलाने से भी नहीं फैलता है। अरे मेरे कपड़े ये, इनके कपड़े मैं पहनूंगा, ऐसे फैल जाऊंगा। भूल जाओ, इससे भी नहीं फैलता। इनको कहीं से भी नहीं फैलने देंगे। इनकी जगह मैं बैठूंगा, मेरी जगह ये बैठेंगे, ऐसे फैल जाऊंगा। नहीं फैलता ऐसे, बताइए क्या फैलने देंगे हम। रुको ही रुको, मैं धोरी मुन्ना चला जाऊंगा, रुको। जाने देंगे मैं साथ तो जाने देखो।